नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, आपने ड्रीम इलेवन का नाम तो सुना ही होगा। ड्रीम इलेवन इंडिया का बहुत ही फेमस फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है और अगर आप इसमें फर्स्ट रैंक लेकर आते हो तो लखपति के साथ साथ करोड़पति बनने का भी आपको यहाँ मौका मिलता है। ऐसे में आपका सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर ड्रीम इलेवन में हम अपनी टीम कैसे बनाएं और ऐसी टीम को कैसे बनाएं जिससे हम फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर सकें। अगर आपकी भी यही तलाश है तो आज आपकी यह तलाश इस वीडियो के माध्यम से पूरी हो जाएगी। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें और तो बस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करें। दोस्तों, ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप जो भी कॉन्टेक्स्ट को ज्वाइन करते थे वो एक घंटे पहले क्लोज हो जाता था, लेकिन अब टॉस होने के बाद भी आप अपनी टीम को एडिट कर सकते हो। ऐसे में आपसे किसी के भी द्वारा कोई भी प्लेयर छूटता नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे कुछ हैक्स, ऐसे कुछ बढ़िया टिप्स लेकर आए हैं जिनको फॉलो करने पे आप 100% इनाम को जीत सकते हो। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रीम इलेवन में अगर आपको पैसे जीतना है तो उसके लिए टीम बनानी पड़ेगी और प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो टोटल 22 प्लेयर हो जाते हैं। इन 22 प्लेयर में आपको अपने लिए 11 प्लेयर्स को चुनना होता है और अगर ये आपके द्वारा चुने गए प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो आप डेफिनेटली इनाम को जीत सकते हो। लेकिन ड्रीम इलेवन में दो तरह की लीग होती है। पहला एक स्मॉल लीग होती है जिनमें बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरी एक ग्रैंड लीग होती है जिनमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रैंड लीग में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है और जो स्मॉल लीग है उसमें आपके तरह तरह के टूर्नामेंट होते हैं और उनमें कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वेस्टमेंट उन्हीं इस लीग के हिसाब के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में से स्मॉल लीग को चुनना चाहिए, क्योंकि स्मॉल लीग में लोग कम हैं, कॉम्पिटिशन कम है, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा। ड्रीम इलेवन में दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम है लीग को चुनने के बाद, वो है अपनी टीम बनाना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग लगा के वो क्या करते हैं, अपनी टीम में ऑलराउंडर्स को ज़्यादा रख लेते हैं। लेकिन आपको एक बैलेंस टीम चुननी चाहिए जिसमें बैट्समैन भी हों, बॉलर भी हों, ऑलराउंडर भी हों। क्या पता कौन सा खिलाड़ी किस तरह का परफॉर्म कर दे और आपको ड्रीम इलेवन में जीत दिला दे। तो एक बैलेंस टीम को चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हो कि एक ही कॉन्टेस्ट के अंदर अपनी कई टीमों को अलग अलग रणनीति के अकॉर्डिंग बनाकर भी खेल सकते हो। हर एक टीम को आपको अलग अलग रणनीति के तहत बनाना है और इससे आपके जीतने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है कैप्टन को चुनाव, क्योंकि अगर आपका ये खिलाड़ी सही निकल गया तो अकेले ही ये खिलाड़ी आपको मैच में जिता देगा। तो कैप्टन का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब कैप्टन के चुनाव के लिए आप देख सकते हो कि कौन से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है या कौन सा खिलाड़ी की फॉर्म अच्छी चल रही है, आप बैक में जाके देख सकते हो। इसके अलावा कुछ इस तरह से भी आपको चुनना चाहिए कैप्टन को कि यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पर रन ज़्यादा बनेंगे तो किसी बैट्समैन को एज अ कैप्टन आप चुन सकते हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फील्ड ऐसी है कि जहाँ पर विकेट ज़्यादा गिर सकते हैं तो आपको किसी बॉलर को एज अ कैप्टन की तरह चुन लेगा। दोस्तों, कैप्टन के चुनाव के बाद अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो है वाइस कैप्टन का चुनाव। तो मेरी समझ से वाइस कैप्टन को हमेशा ऑलराउंडर में से चुनना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि अगर वो आपको बैटिंग से पॉइंट नहीं दिला सका तो एटलीस्ट आपको बॉलिंग से ही पॉइंट वो दिलवा पाएगा। इसके बाद जो अगली ज़रूरी चीज़ है वो है मैच ग्राउंड रिपोर्ट। मैच ग्राउंड रिपोर्ट क्या होता है? मैच ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब होता है कि आपको गेम को खेलने से पहले, अपनी टीम को बनाने से पहले आपको ये देख लेना है कि मैच कहाँ पर होने वाला है, उस ग्राउंड की पिच कैसी है, किस खिलाड़ी का प्रदर्शन उस ग्राउंड पर कैसा रहा है, क्या रन ज़्यादा बनते हैं, क्या विकेट ज़्यादा गिरते हैं। आपको पता चल गया है कि पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे बैट्समैन को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, और यदि आपको पता चल गया है कि जो पिच है वो बॉलर के फेमिलियर है तो आप ज़्यादा अच्छे से अच्छे बॉलर्स को अपनी टीम में शामिल
कर सकते हो, इसलिए मैच ग्राउंड रिपोर्ट का देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी जानकारियों को कलेक्ट करने के लिए, इन सारी जानकारियों को देखने के लिए हम किन प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं। तो देखिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब है। कई ऐसे यूट्यूब के अंदर चैनल हैं जो कि हर एक मैच के लिए डीप एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, अगर आप कुछ क्रिकेट वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हो, जैसे एक क्रिकबज करके वेबसाइट है जहाँ पर आप मैच के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, जैसे कौन कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहाँ पर मैच होने वाला है, किस तरह की पिच है, सारी डिटेल ले सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो ESPN क्रिक इन्फो करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसके अलावा एक वेबसाइट है जिसका नाम है Bet365, जिसके जरिए आपको पता चल सकता है कि किस खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। तो यह भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। तो यह थी ड्रीम इलेवन पर अपनी टीम बनाने के लिए कुछ ज़रूरी हैक्स जिनको आपको जाना बहुत ज़रूरी था। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।